पाकिस्तान दुनिया के सामने एक बार फिर से बेनकाब हो चुका है। पाकिस्तान ने कबूल किया है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। पहली बार पाकिस्तान ने इस बात को कबूल किया है। पाकिस्तान ने आतंकियों की एक नई लिस्ट जारी की है, इसमें दाऊद इब्राहिम का भी नाम है। पाकिस्तान ने दाऊद का पता कराची का व्हाइट हाउस बताया है। दरअसल एफटीएफ की निगरानी की लिस्ट से बाहर आने की कोशिशों के तहत पाकिस्तान ने आतंकियों की लिस्ट जारी की है, इसमें दाऊद इब्राहिम का नाम भी शामिल है। कराची के क्लिफ्टन इलाके के व्हाइट हाउस में दाऊद इब्राहिम रहता है। दाऊद इब्राहिम मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है। उस पर 1993 में मुंबई में बम धमाके करवाने का आरोप है। मुंबई धमाके के बाद वो परिवार समेत मुंबई से भाग गया था। दाऊद का नाम भारत की मोस्ट वांटेड लिस्ट में है। भारत ने कई बार सबूत दिया कि वो पाकिस्तान में कराची में रहता है, आईएसआई के साये में रहता है, लेकिन जब दबाव बना दुनिया का कि वो आतंकवादी लिस्ट में ना आ जाए पाकिस्तान, तो उसने सबकी लिस्ट दी है। दाऊद इब्राहिम को तुरंत भारत के हवाले पाकिस्तान को करना चाहिए और पूरे दुनिया को पाकिस्तान को एक आतंकवादी देश घोषित करना चाहिए।